रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एस एस बी क्राक एग्जाम चैनल पर तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन मोर लूनर मिशन एंड ये इस बार जो मिशन भेजा गया है दैट इज द जापान सो so, चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर मून मिशन के बारे में सो द एंटिसिपेशन इज रीचिंग लूनर दैट इज हम मून पर जाना चाहती है एंड जिसमें इंडिया ऑलरेडी जीत हासिल कर चुकी है सो द लूनर हाइट्स एज द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने जो लॉन्च किया अपना मिशन दैट इज द मून स्नाइपर

एक्सप्लोरेशन तो चलिए डिटेल में जानते हैं मून स्नाइपर के बारे में सो इन द इवेंट ऑफ सक्सेसफुल लैंडिंग सो आज इसकी बेसिकली सक्सेसफुल लैंडिंग की पूरी की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है लॉन्च किया था जो क्रिसमस के अंदर ये ऑर्बिट में एंटर हो चुका था बट yes, uh, ये लैंड कर जाएगा सो इनसे इनग्रल डेवलपमेंट बाई द रोबोटिक एक्सप्लोर ऑन द लूनर सर्वेस एंड ये पोजिशन करेगा जपान एज द थर्ड कंट्री इन दी फर्स्ट सेंचुरी एंड द फिफ्थ नेशनल ओवरऑल टू अचीव अग ऑन द मून Since the mission, Soviet, जो उनका मिशन द लून अट इज इन दाइनटीन सिक्सटी सिक्स तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा जो जापान है दैट विल बी दिफ्थ नेशन जो की लैंड कर जाएगा मून के ऊपर फोर्थ इज आर इंडिया एंड अगर साउथ पोल की बात करें पर्टिकुलरली तो फर्स्ट इज इंडिया डर चलिए सो so, जब यह मिशन जा रहा है मून मार्क्स एंड इंटरनेशनल स्पेस है सो so, कुछ और लूनर ऑर्बिटर जैसे कि काग्यो के बारे में आप जानते हैं यूएसएस लूनर रिकन साइंस ऑर्बिटर एलरस चंद्रयान मिशन ऑलरेडी ये सक्सेस हासिल कर चुके हैं फॉर हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन डाटा फॉर द लूनर सर्फेस अब बात करें जब जापान के अंडर टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स की बात आती है सो नो डाउट हमें हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ज्यादा आगे है सिमिलरली उसी में बात करें कि उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर पर्टिकुलरली अगर बात की जाए प्रसेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज बिल्ड इन टू द स्लिम फेटर्स खासकर नेविगेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है so, सो इसी पर्टिकुलर की वजह से जो निकनेम निक नया दैट इज द मून ए स्नाइपर ओनली So the computer, जो कि लैंडर uh, वहां पे जा रहा है उसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है so, yes, इमेजिंग uh, की जाएगी एंड पर्टिकुलर पूरे का पूरा जो क्रेटर वहां पर जो टेरेन है लोकल टेरेन रॉक्स की स्टडी वो सब उस पर ध्यान किया जाएगा एक और चीज जो इस पर्टिकुलर मिशन से इंपॉर्टेंट है जो वहां से जा सके कुछ स्टेटमेंट uh, हमें पता लगा is, हम सब जानते हैं इस टाइम पे

वो बंद हो सकता है सो इन कंपोनेंट्स विल प्रोबेबली ब्रेक इन द प्लमनेटिंग टेंपरेचर सो यस जब तक सन है वहां पे सोलर पैनल्स रिचार्ज रहेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी तब तक ये मिशन प्रॉपर्ली चलता रहेगा

And one of the companies behind its development is Tommy, who created the Transformers twice. The साथ ही अगर ऐसा नहीं है कि इससे पहले जापान ने ट्राई नहीं किया था इससे पहले भी नवंबर 2022 जापान टू लैंड द लूनर नोवंबर जिसका नाम था ऑन द मून तो ये कर कर दिया दिया गया था और लास्ट ईयर ही एक प्राइवेट जैपनीज कंपनी है हाई स्पेस जिन्होंने भी ट्राई किया था और जिसका नाम था क्राफ्ट का नाम था हेको आर क्राफ्ट तो ये जैसे ही वहां पहुंचने बोला था वहां पर वो क्रैश हो गया था डर बिकॉज जो कंप्यूटर था ऑनबोर्ड कंप्यूटर दैट जस्ट कंफ्यूज ड्यू टू द दल्टीट्यूड तो उससे हार्डली पांच किलोमीटर का और डिस्टेंस रह गया था और उससे पहले ही वो क्रैश हो गया था सो so, अब लेकिन बात की जा रही है स्लम के ऊपर मून स्नाइपर जिसका निकनेम है सो so, फॉर्च्यून sure, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए जिसकी आई पॉसिबिलिटीज हैं भी कीसफुल हो जाएगा सो ये जपान विल बिकम द फिफ्थ नेशन टू लैंड ऑन द मून एंड इस टाइम पे जो लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक जो रेस है इंटरनेशनल पूरी लॉबिक में दैट इज मच मच

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं